जयपुर की गाड़ी, जयपुर नंबर है, फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर जी सर। डॉक्टर की कार है, डॉक्टर की गाड़ी जी सर। डिमांडिंग कार है सर, बताइए सर। ये 2011 की है और इसकी प्राइस है 2014 की है सर। ये माइक्रा जी फर्स्ट ओनर है सर। पेट्रोल डीजल? पेट्रोल। पेट्रोल में जी सर। एवरेज 18-20। सभी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे अपने? बिल्कुल सर। और इंश्योरेंस वगैरह? इंश्योरेंस वगैरह हर गाड़ी का रनिंग में है। नहीं होगा तो आप करवा के? वो क्या हम करवाते हैं, ठीक है। ट्रांसफर वगैरह, फाइनेंस वगैरह सब कुछ हो जाएगा? सब कुछ, सारी फैसिलिटी है सर, सारी चीजें एक ही छत के नीचे मिल जाएगी। एक ही छत के नीचे, कहीं नहीं भागना सर जी सर। एलपीजी में इसका माइलेज क्या रहेगा? एलपीजी में इसका माइलेज तो वही रहेगा सर अपने 18-20 का, बट एलपीजी अपने को सस्ती पड़ती है, इसलिए अपना जो खर्चा कम होगा। खर्चा कम है। 2010 की मैग्ना वेरिएंट, मैग्ना 1.2 लीटर जी सर। फर्स्ट ओनर है? सेकंड ओनर है सर। 35,000 चली हुई है। डिजायर 2009 की है सर। VXI जी सर। ठीक है सर। ये 2014 की है, ग्रैंड i10 स्पोर्ट्स जी, ऑप्शनल, पुश बटन स्टार्ट, पुश बटन, ऑटोमेटिक, मैनुअल? मैनुअल। सब्सक्राइब कीजिए एन एक्सपर्ट राइट चैनल को और देखते रहिए नए नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों का फिर से स्वागत है आपका एन एक्सपर्ट राइट की नई वीडियो में। मैं हूं निर्मल, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट राइट। एक बार फिर से हम आ चुके हैं आपके सामने हमारी एक और नई वीडियो लेकर, जो कि है हिमांशु कार वर्ल्ड निर्माण नगर जयपुर। यहाँ पे आपको दिखाएंगे हम छोटे बजट की कार्स, पहले दिखाई थी हाई बजट की, अब दिखाएंगे छोटे बजट की। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे हमारा पूरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम ऐसे लेके आएंगे आपके लिए नई नई वीडियो, तब तक प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ निर्मल एन एक्सपर्ट की तरफ से। नमस्ते सर। नमस्कार सर। क्या हाल चाल? बस सर बढ़िया, आप सुनाएं। अच्छा, तो सर कैसा रहा रिस्पांस लास्ट वीडियो का? बहुत अच्छा था सर। अच्छा था? हाँ। अच्छा, तो सर आज कितना डेटा दिखाने वाले सर अपन? सर अपने पास स्टॉक में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। हाँ सर, ये 2012 की i10 एरा है। हाँ। और ये चली हुई है 32,000 जी सर। फर्स्ट ओनर? फर्स्ट ओनर। पेट्रोल में, डीजल में? पेट्रोल। ये तो पेट्रोल में, पेट्रोल ही आती है सर। अच्छा, एरा में क्या मिल जाएगा अपने को? एरा में आगे के पावर विंडो मिलेंगे, एसी, हीटर, पावर स्टीयरिंग सब कुछ सब मिलेगा जी सर। ठीक है। ये 1.1 लीटर में है। अच्छा जी सर। एवरेज कितना रहता है इसका? एवरेज इसका आएगा 16-17 हाईवे पे जी सर। डिमांड क्या कर रहा है? 2,90,000 जी सर। सभी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे अपने को? बिल्कुल सर। और इंश्योरेंस वगैरह? इंश्योरेंस वगैरह हर गाड़ी का रनिंग में है। नहीं होगा तो आप करवा के? वो क्या हम करवाते हैं, ठीक है। ट्रांसफर वगैरह, फाइनेंस वगैरह सब कुछ हो जाएगा? सब कुछ, सारी फैसिलिटी है सर, सारी चीजें एक ही छत के नीचे मिल जाएगी। एक ही छत के नीचे, कहीं नहीं भागना सर। कस्टमर जैसे क्लाइंट खुद कराना चाहे तो? कस्टमर ऐसा अपने पास सारी सुविधाएं हैं सर। नहीं, फिर भी कोई क्लाइंट होता है कि हम करवा लेंगे हमारे बैंक से? एक्चुअली क्या, बैंकों का हमारे यहाँ से अगर आप कराओ तो उसमें काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। प्रोसेस लंबा होता है। बाकी आप कराना चाहो तो करा सकते हैं। हाँ, बाकी अगर आप कस्टमर को यहाँ पे जो भी फैसिलिटी मिलेगी, जैसे न्यू कार खरीद रहा ना, वैसे सारी फैसिलिटी जी सर। उसको कहीं भागना नहीं है, उसका भी फर्क पड़ता है जी सर। इसकी डिमांड क्या रहेगी सर? इसकी है 290 जी सर। ठीक है। नेक्स्ट है ऑल्टो, इसकी भी काफ़ी डिमांड चल रही है जी सर। बताइए सर, ये 2016 का मॉडल है जी, 60,000 चली हुई है सर। 60,000 जी सर। फर्स्ट ओनर? फर्स्ट ओनर है। इसमें क्या मिल जाएगा अपने को? इसमें सर एक तो एलपीजी फिटेड है। अच्छा, एलपीजी है। हाँ, और आगे के पावर विंडो, एसी, हीटर, पावर स्टीयरिंग जी सर। एलपीजी में इसका माइलेज क्या रहेगा? एलपीजी में इसका माइलेज तो वही रहेगा सर अपने 18-20 का। अच्छा। बट एलपीजी अपने को सस्ती पड़ती है, इसलिए अपना जो खर्चा कम होगा। माइलेज वही रहेगा बस? हाँ, माइलेज तो हाँ सस्ती पड़ेगी। प्राइस क्या बताइए आपने? 295 जी सर। ठीक है। 2010 की मैग्ना वेरिएंट, मैग्ना 1.2 लीटर जी सर। फर्स्ट ओनर? सेकंड ओनर है सर। 35,000 चली हुई है। 2,25,000 इसकी आस्किंग प्राइस है। 2,25 जी सर। तो पेट्रोल में ही आती है? पेट्रोल है सर। इसमें क्या मिल जाएगा आपको अंदर? सर इसमें अपने को चारों पावर विंडो मिलेंगे, एसी, हीटर, पावर स्टीयरिंग सारे फीचर्स। एयरबैग नहीं मिलेगा? एयरबैग नहीं है मिलेंगे जी सर। ठीक है। डिमांड क्या बताइए? डिमांड है इसकी 225, 2,25,000 ठीक है। 2,25 जी सर। नेगोशिएबल हो जाएगा जी सर। डिजायर
डिजायर 2009 की है सर, VXI जी सर। और क्या मिल जाएगा अंदर की तरफ? इसमें अपने को चारों पावर विंडो मिलेंगे, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, एसी हीटर, पावर स्टेयरिंग सब कुछ मिलेगा जी सर। एयरबैग? एयरबैग नहीं है सर इसमें। बूट स्पेस कितना? बूट स्पेस को करीबन 170-175 लीटर के आसपास। डीजल में पेट्रोल? पेट्रोल वेरियंट है सर। पेट्रोल जी। एवरेज क्या रहेगा? एवरेज 17-18 हाईवे। प्राइस? प्राइजेस सर इसकी 2,95,000। 2,95,000 जी सर। इसमें भी हो जाएगा नेगोशिएबल? जी सर, सभी भी हो जाएगा जी सर। ठीक है। सर ये बीट है सेवरलेट की, डीजल वेरिएंट है, 2011 की है, 44,000 चली हुई है, 185 प्राइस है इसकी। 185 जी सर। फर्स्ट ओनर? फर्स्ट ओनर है सर। और इसमें क्या मिल जाएगा अपने को सर? इसमें अपने को एसी हीटर, पावर स्टीयरिंग बस जी सर। बेस्ट वेरिएंट है इसका? बेस्ट वेरिएंट जी सर। गाड़ी बहुत बढ़िया है। फर्स्ट ओनर है ना? फर्स्ट ओनर है सर। ठीक है। नई कितने की आ रही होगी? नई तो सर अभी कंपनी ने, हाँ कंपनी नहीं है, कंपनी नहीं है इसकी जी। सर ये 2014 की ग्रैंड आई10 स्पोर्ट्स जी, ऑप्शनल पुश बटन स्टार्ट। पुश बटन? हाँ। ऑटोमेटिक मैनुअल? मैनुअल। ठीक। और ये ऐसा नहीं है जो पुश बटन होगी वो ऑटोमेटिक भी होगी? हाँ ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है सर। अच्छा ठीक है। ईयर? ईयर 2014 जी सर। फर्स्ट ओनर? फर्स्ट ओनर। पेट्रोल डीजल? डीजल। डीजल जी सर। एवरेज 20+ जी सर। अंदर क्या मिल जाएगा? अंदर इसमें अपने को एसी हीटर, ड्यूल टोन एसी है, पीछे भी रिवर्स के लिए भी एसी है जी सर। ठीक है। डिमांड क्या है इसकी? डिमांड है इसकी 4,50,000। 4,50,000 जी सर। किलोमीटर रनिंग है इसकी 33,000 मात्र जी सर। नहीं कितने की आ रही है अभी? नहीं ये वाला वेरिएंट आ रहा है करीबन 8 के आसपास, 7-80 के आसपास। अच्छा। नेक्स्ट? ये सर ग्रैंड आई10 है, ग्रैंड आई10 है 2016 की सर ये जी। इसमें दो एयरबैग मिलेंगे आपको। हाँ। ऑटो क्लाइमेट एसी वगैरह, स्टूडियो का कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल है पूरा, स्टीयरिंग पे सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा इसका। ठीक है। ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ है सर इसमें। ये एडवोकेट गाड़ी? एडवोकेट की गाड़ी है सर, 71,000 चली हुई है। 488 इसकी आस्किंग प्राइस है। 488 जी सर। ठीक है। मतलब ये पुश बटन थोड़ी होगी? नहीं सर मैनुअल है। मैनुअल है जी सर। ठीक। नेक्स्ट? दो ब्रियो सर। ये 2012 की है ब्रियो। ओके। 39,000 चली हुई है, फर्स्ट ओनर है और इसकी प्राइस है 3,15,000। 3,15,000। SMT वेरिएंट है, इसमें चारों पावर विंडो मिलेंगे। ओके। और स्टूडियो का कंट्रोल स्टीयरिंग में मिलेगा। अच्छा। एयरबैग वगैरह? एयरबैग वगैरह इसमें नहीं है सर अभी। हाँ। इसका एवरेज कितना रहता है? इसका एवरेज वही आएगा सर 14-15 का पेट्रोल में। होंडा की गाड़ी है? होंडा की गाड़ी है, सिटी यूज के लिए बेस्ट है जी। एक और है जी सर, ये भी सर 2012 की है, 50,000 चली हुई है और इसकी प्राइस है 3,10,000। 3,10,000। ये बेस फर्स्ट ओनर है, ये बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट है। अच्छा। इसमें क्या मिल जाएगा अंदर की तरफ? इसमें सिर्फ आगे के पावर विंडो मिलेंगे, फ्रंट टू डोर। अच्छा जी सर। एसी हीटर सब मिलेंगे? एसी हीटर सब मिलेंगे, पावर स्टीयरिंग वगैरह। प्राइस क्या बताइए? प्राइस है इसकी 3,10,000। 3,10,000 जी सर। जी सर। हाँ सर। डिजायर? सर ये डिजायर है, 2015 का मॉडल है, टॉप वेरियंट है, ZXI ऑप्शनल पुश बटन टॉप है जी सर। इसमें क्या मिल जाएगा अपने बंदर? सर इसमें एयरबैग है, ABS है, ऑटो क्लाइमेट एसी है, पुश बटन स्टार्ट है। पुश बटन जी सर। मैनुअल है? मैनुअल। मैनुअल ट्रांसमिशन। ये नहीं कितने की आ रही होगी अभी? नहीं करीबन सर ये मैनुअल में अगर जाए तो ये करीबन 9,00,000 के आसपास आ रही है। 9,00,000 जी सर। हिमांशु कार्बन में क्या है प्राइस? सर हिमांशु कार्बन में इसकी है 595। 595 जी सर। कितने जी सर? डीजल में पेट्रोल? पेट्रोल वेरिएंट है सर। रनिंग कितना बताया? 62,000 जी सर। जेन्युइन सर। जयपुर की गाड़ी? जयपुर नंबर है, फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर जी सर। डॉक्टर की कार है? डॉक्टर की गाड़ी जी सर। तो क्या पूछना? हाँ सारी डिटेल के तो बिल्कुल सर। नेक्स्ट है अमेज, बताइए। होंडा अमेज है सर जी, 2013 का मॉडल है, टॉप वेरिएंट है ये। इसमें भी आपको एयरबैग, ABS वगैरह सब कुछ सारे फीचर्स मिलेंगे। सब मिल जाएगा जी सर। और नहीं सर मैनुअल है, मैनुअल ट्रांसमिशन है। ये पेट्रोल में डीजल? डीजल है सर। इसका एवरेज कितना रहेगा? एवरेज सर 20+ आएगा हाईवे पे। 20+ जी सर। नहीं कितने की आ रही है? नहीं ये वाली करीबन आ रही है 8.5 के आसपास। 8.5 जी सर। यहाँ पे क्या प्राइस है? इसकी प्राइस है 4,25,000। 4,25,000। इसमें एक्स्ट्रा बूट स्पेस मिल जाता है? बूट स्पेस है सर। कितना होता है? बूट स्पेस है करीबन 180 लीटर के आसपास। ठीक है। स्विफ्ट? ये तो वो गाड़ियाँ जो बहुत डिमांडिंग रहती हैं। हाँ सर। उनका हमेशा ही चलता ही रहता है। उनका तो सर हमेशा ही चलेगा ये तो। फिर 2013 की है। 2013 की स्विफ्ट VXI स्टार। स्टार जी सर। इसकी प्राइस है सर 4,25,000। फर्स्ट ओनर है, 72,000 चली हुई है। 72,000 जी सर।
फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर है, पेट्रोल वेरिएंट है। पेट्रोल में डिमांड क्या बताइए? 425 बस। ऑल्टो है सर, ये एलेक्स आई है, 2013 की है, फर्स्ट ओनर है, 59,000 चली हुई है और आस्किंग प्राइस है इसकी 2,50,000 रुपये। 2,50,000 जी, 250। ठीक, इसमें नेगोशिएबल हो जाएगा? जी सर। इसमें क्या मिल जाएगा अपने को? सर इंश्योरेंस अभी इसका पूरे साल भर का नया है। अच्छा। आगे के पावर विंडो, एसी हीटर जो कंपलसरी चीज़ें कंपनी फिटेड फीचर्स है वो है इसमें। सारे मिल जाएंगे जी सर। टायर की कंडीशन? टायर 85% के आसपास है सर। 85% है जी सर। ठीक है सर। नेक्स्ट होगी फिर i10। फिर i10 का कुछ ज़्यादा कलेक्शन अपने पास सर? डिमांडिंग कार है सर। डिमांडिंग कार बताइए सर। ये 2011 की है और इसकी प्राइस है 2,40,000। 2,40,000, 60,000 चली हुई है ये। ठीक है। फर्स्ट ओनर है, नंबर भी बढ़िया है इसका, 4747। एरा वेरिएंट है? एरा वेरिएंट जी सर। इसमें क्या मिल जाएगा आपको? आगे के पावर विंडो, एसी हीटर, पावर स्टेयरिंग। पावर स्टेयरिंग जी सर। पेट्रोल में आती है तो? पेट्रोल ही है सर। फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर। डिमांड क्या बताइए? 240 जी सर। 2014 की है सर ये माइक्रा जी। फर्स्ट ओनर है सर। पेट्रोल डीजल? पेट्रोल। पेट्रोल में जी सर। एवरेज? एवरेज 18-20 जी सर। इसमें क्या मिल जाएगा आपको? सर इसमें एसी हीटर, पावर स्टीयरिंग, ये बेस वेरिएंट है। इसमें आगे के पावर विंडो मिलेंगे, सेंटर लॉक मिलेगा। अच्छा जी सर। चाबी वगैरह दो या सिंगल? चाबी दोनों मिलेंगी सर। दोनों मिलेंगी जी सर। जिसकी दो होगी, जिसकी दो एक उसकी जी सर। और फाइनेंस वगैरह, इंश्योरेंस? फाइनेंस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है सर जी सर। सब कुछ कम्प्लीट। ये नहीं कितने की आ रही होगी अभी? नहीं सर, ये करीबन 6.5 के आसपास आ रही है। 6.5 जी सर। यहाँ क्या डिमांड है इसकी? यहाँ डिमांड है इसकी 285 जी सर। नेक्स्ट सर, 2010 की है सर। 2010 हाँ, 1,50,000 रुपये प्राइस है इसकी। 1,50,000 जी सर। अच्छा। इसमें आपको मिलेगा एसी हीटर, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो आपको नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे जी सर। बेस वेरिएंट है, चली हुई है, 57,000 जी सर। फर्स्ट ओनर? फर्स्ट ओनर है सर। इसका एवरेज? एवरेज सर इसका 18-20 का। 18-20 का जी सर। गाड़ी का 4 है, 2007 की। ओके। फर्स्ट ओनर है, डॉक्टर की गाड़ी है। अच्छा। 89,000 चली हुई है। 89,000। टॉप वेरिएंट है ZXI। अच्छा। इसमें क्या मिल जाएगा अपने? इसमें ऑटो क्लाइमेट एसी मिलेगी, एयर बैग मिलेगा, ABS मिलेगा, सारे फीचर्स मिलेंगे अपने। अच्छा। चारों पावर विंडो वाले सारे फंक्शन जी सर। बूट स्पेस भी करीबन 200 लीटर के आसपास है। 200 लीटर के जी सर। लेग रूम बहुत अच्छा है गाड़ी में, फुल सेडान है। सेडान गाड़ी है। हाँ। ग्राउंड कितने की आती थी उस टाइम? नहीं, उस टाइम करीबन 10,00,000, 9.5-10,00,000 के आसपास आई थी SX4। इसका एवरेज कितना रहता है? इसका एवरेज आएगा सर करीबन आपके 12-15 के आसपास आएगा जी सर। इसकी डिमांड क्या रखी? डिमांड है 2,25,000। 2,25 जी सर। दोस्तों सारी गाड़ी दिखा दी है, सारा कलेक्शन दिखा दिया है। अगर गाड़ी पसंद आती है तो प्लीज़ आप आइए हिमांशु कार वर्ल्ड, निर्माण नगर, जयपुर। और नेक्स्ट कौन सी गाड़ी आपको देखनी है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पे हमें कम से कम भी नाना करते हैं कम से कम 10,000 लाइक्स मिले, इसी ये उम्मीद है मेरी, और आप लोग कर देंगे मुझे पता है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, लेके आएंगे नई वीडियो। तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मैं हूँ निर्मल, एन एक्सपर्ट की तरफ से जय हिंद।